जय हिंद वंदे मातरम साथियों, बीएसएफ ट्रेडमैन के आज सुपर 8 मिनट के अंदर टॉप 25 क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। डिफेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये हमारा पहला नंबर वीडियो है। रोजाना कोशिश करेंगे कि रोजाना वीडियो मिले, और इसका पीडीएफ फाइल है ना टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके कितने सही है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। पहला प्रश्न देखेंगे, भारत का 29वां राज्य कौन सा बना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और एग्जाम में सभी क्वेश्चन आने लायक है। तो इसका राइट आंसर तेलंगाना। तेलंगाना है एपी बोले तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। दोस्तों बात करें यहाँ पर आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पहले इमरावती राजधानी जो बनाई गई थी। देखिए सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, साथ साथ में राजधानियाँ भी देख लिए क्योंकि एक प्रश्न आने वाला है। विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो प्रश्न का राइट आंसर सहारा का मरुस्थल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत द्वारा परिपेक्षण प्रथम उपग्रह यानी भारत ने पहला उपग्रह किस नाम के रूप में छोड़ा था? तो राइट आंसर आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मामलों को निपटारा कौन करता है? यस वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका राइट आंसर इज अनुमंडल अधिकारी। यानी जैसे ग्रामीणों के बीच में छोटे छोटे मामले जमीन के विवाद हैं, अब तो सीधा कहाँ जाता है? कोर्ट के अंदर जाता है। एक होता उच्च न्यायालय, एक होता सर्वोच्च न्यायालय। अब जो सर्वोच्च न्यायालय हैं वो दिल्ली के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय क्या दिल्ली के अंदर एक ही है, और जो उच्च न्यायालय होते हैं वो राज्यों के अंदर होते हैं। जैसे वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय, सवाल पूछ कि वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय, तो 24 उच्च न्यायालय। पहले कितने थे? 21 के बढ़ाकर 24 कर दिया गया। और उच्चतम न्यायालय बोले या सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सर्वोच्च न्यायालय एक ही है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक ही है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण यानी गोल्ड उत्पादन करने वाला राज्य, सोना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भैया कर्नाटका। अब दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यूपी की राजधानी लखनऊ, दोस्तों ये लखनऊ। और ये सवाल पूछा गया लखनऊ किस नदी के किनारे हैं, और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मुझे सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्या है? लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? यस विज्ञान के क्षेत्र। कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। क्या है? शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? चावल, दोस्तों वेस्ट बंगाल। या वेस्ट बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता, और ये हुगली नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? हुगली। ये सवाल पूछा गया है कोलकाता किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे स्थित है। मैंने आपको आंध्र प्रदेश की राजधानी बता दी, महाराष्ट्र की राजधानी बता दी, और उड़ीसा की राजधानी मैंने बता दी। उड़ीसा की राजधानी क्या? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर है। परमाणु प्रशिक्षण अधिकतम किस स्थान पर हो चुके हैं? यानी भारत में परमाणु परीक्षण किया गया, चार बार किया गया। ये पोखरण, और पोखरण है कहाँ? राजस्थान राज्य के अंदर है भैया। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य के अंदर है, और कुल टोटल चार बार किया गया, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये चांदीपुर, गोरमघाट, रत्नागिरी, ये सब भी स्थान है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है भैया। नेक्स्ट देखिए, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। कौन है? जयदेव है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम, सुदोधन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है भैया? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह स्थापित कहाँ किया था? ब्रिटिश के द्वारा सूरत के अंदर। कहाँ? सूरत के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? खड़कवासला, खड़कवासला के अंदर है। और यहाँ पर आप देखेंगे देश के 12वें राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति का कर्म याद करके जाना भैया, यस राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, और ये भारत की प्रथम महिला, अगर पूछे प्रथम महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? रबड़, केरला। और अगर आप किसम पूछें, किसम पारा किसम, कौन सी किसम? पारा। ये सवाल पूछा पारा किसकी किसम है, तो पारा किसकी है? रबड़ की है। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य के अंदर स्थित है? भैया मुख्य रूप से पंजाब के अंदर, मुख्य रूप से पंजाब के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, महान पुरुष बिरसा मुंडा, ये भी है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? यस झारखंड। किससे? झारखंड से संबंधित है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर, यानी जो, देखिए सेना, सेना कौन कौन सी होती है? तीन सेनाएं होती है, एक होती है नौसेना, इसका दूसरा नाम जल सेना, वायु सेना और थल सेना। यस, इन तीनों का कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये दोनों एक ही है, जल सेना के या नौसेना के, दोनों एक ही है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे ब्रॉडगेज की दो पटरियों के बीच दूरी, ब्रॉडगेज 1.675 मीटर। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? सेंट्रल रेलवे इज मुंबई। क्या है? सेंट्रल रेलवे का क्या है? मुंबई के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। पूरा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद। देखिए इनकलाब जिंदाबाद जो नारा लिखने वाला कौन था? हसरत मोहनी, ये ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस। आवर्त सारणी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? यस मेंडेलीव। क्या है? मेंडेलीव। ये ध्यान रखना क्योंकि ये आसान शब्द है, अगर आवर्त सारणी मैंडे लिव। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, 25 और आपके कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? दो बार चढ़ने वाली थी संतोष यादव। और दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब पे सर्च कीजिए, लोगो आएगा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।